दोस्तों आज हम बात करेंगे पुरुषों की और महिलाओं की एक खास दवा की, जो कि पुरुषों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित कुछ डिजीज कंडीशन होती है वहां पर बहुत अच्छा काम करती है। और इस दवा का नाम है सबल सैरुलेटा। इसका मदर टिंचर जो है वो इसमें अक्सर काम में लिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबल सैरुलेटा के बारे में। दोस्तों अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में अगर उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गई है, बढ़ गई है उसकी साइज, तो उसकी वजह से यूरिन करने में उनको दिक्कत आ रही है, यूरिन में उनको रुकावट महसूस होती है, बार बार यूरिन लगता है। उसके अलावा अगर महिलाओं में हम बात करें तो महिलाओं में अगर उनको पर्टिकुलर उनको एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट एट्रोपी, उनके जो स्तनों का विकास है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, उनके स्तनों जो होते हैं वो इसके हिसाब से उनके छोटे रह गए हैं, ऐसी जब कंडीशन होती है उनके स्तनों के विकास में यह जो मेडिसिन होती है एक बहुत अच्छा इसका एक रोल होता है। इस तरह से दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है जहां पर सबल सैरुलेटा बहुत अच्छा काम करती है। उन पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन सी जगह पर जो है सबल सैरुलेटा अच्छा काम करती है, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे सबल सैरुलेटा को किस तरह से काम में लेना है इसके मदर टिंचर को, साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बरती जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले इसके सिम्टम की और वो पुरुषों के सिम्टम की अगर हम बात करें तो पुरुषों में जो एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है जिसको कि बोलते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बीपीएच, अगर बीपीएच की शिकायत है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो सभी पुरुषों में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एज के हिसाब से 50 साल के आसपास, 50 55 की जो एज होती है उस एज के दौरान अक्सर पुरुषों में जो इस जो ग्लैंड होती है ग्लैंड में ओवर ग्रोथ हो जाती है, वो साइज उसका बड़ा हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जब वो बड़ी हो जाती है तो यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने पर उनकी जो यूरेथ्रा होती है, पेशाब की जो नली होती है उसको ये कंप्रेस करना शुरू कर देती है, क्योंकि यह जो इसका जो लोकेशन होती है वो होती है यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली की जस्ट नीचे होती है और ये यूरेथ्रा को घेरे हुए होती है। और इस तरह से जब इसकी साइज जो होती है वो साइज जब बड़ी हो जाती है तो उसको यूरेथ्रा को पेशाब की नली को ये दबाती है और जिसके कारण यूरिन जो होता है यूरिन ढंग से क्लियर नहीं हो पाता है, यूरिन करने में रुकावट महसूस होती है। कई दफ़ा पेशेंट को अक्सर एक सिम्टम देखने को मिलता है कि जब उनको बीपीएच की शिकायत होती है या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है तो उनको रात को बार बार स्पेशली उनको बार बार उठना पड़ता है जिसकी वजह से उनको प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा यूरिन का जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल उनको वो खो देते हैं, उनको ऐसा लगता है यूरिन अब कंट्रोल नहीं होगा, उनको कपड़े के अंदर ही यूरिन आ जाएगा या यूरिन जो होती है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप लीकेज भी होता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है ऐसी कंडीशन में सबल सैरुलेटा बहुत अच्छा काम करती है, बीपीएच की प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की एक खास दवा है। दूसरी जो कंडीशन होती है जहाँ पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो होती है इसकी टेस्टिकुलर एट्रोपी में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोपी यानी वह कंडीशन जहाँ पर उनके जो अंडकोश होते हैं पुरुषों के वो छोटे रह जाते हैं, उनका प्रॉपरली विकास नहीं होता है और उसकी वजह से उनके जो हार्मोन्स होते हैं हार्मोन प्रॉपरली बन नहीं पाते हैं, पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो होती है वो अक्सर उसमें फिर कमी देखने को मिलती है। और उसके अलावा ऐसी कंडीशन में उनको जो टेस्टिस जो होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं तो उनका एक और फंक्शन होता है स्पर्म प्रोडक्शन करना, तो वो स्पर्म प्रोडक्शन में भी उनको दिक्कत आती है जिसकी वजह से उनको ओलिगोस्पर्मिया या एजियोस्पर्मिया की शिकायत आ जाती है, यानी उसको जो शुक्राणु होती है शुक्राणु की जो कमी देखने को मिलती है जिसके कारण वो संतानहीनता से ग्रसित हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से वो ग्रसित हो जाते हैं, उनको सेक्सुअल वीकनेस आना शुरू हो जाती है, उनको पेनिस में इरेक्शन जो होगा पेनिस में तनाव जो होगा वो तनाव नहीं आएगा। ऐसी जो कंडीशन होती है ऐसी कंडीशन में भी अंडकोश के विकास में भी सबल सैरुलेटा बहुत अच्छा काम करती है, इसका मदर नेचर इसकी खास दवा है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो बोलते हैं एपिडिडिमाइटिस। एपिडिडिमाइटिस में भी यानी एपिडिडिमस के अंदर होने वाला इन्फ्लेमेशन में भी सबल सैरुलेटा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी कंडीशन में आपके जो अंडकोश होते हैं अंडकोश में आपको पेन रहेगा, इन्फ्लेमेशन रहेगी, वहाँ पे हैवीनेस महसूस होगा, एक डिसकम्फर्ट सा फील होगा आपको, ऐसी कंडीशन में भी सबल सैरुलेटा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो आपका यूरिथ्रा होती है यूरिथ्रा में क्या होता है कि जब कभी भी आपको सिकुड़न हो गई है यूरिथ्रा में जब जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बन जाता है और स्ट्रक्चर के कारण यूरिन जो होती है वो ढंग से खुल के पास नहीं हो पाती है, ऐसी कंडीशन में आपको यूरिन में जलन होगी, यूरिन करने में आपको दर्द होगा, यूरिन करने में आपको परेशानी होगी, रुकावट होगी, ऐसी कंडीशन में भी यूरिथ्रा स्ट्रक्चर में भी आपको सबल सैरुलेटा मदर नेचर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया आपको जब आपकी यूरिथ्रा होती है यूरिथ्रा में जब सिकुड़न आ जाती है तो जिस तरह से यूरिन पास करने में दिक्कत आती है उसी तरह से जब आप इंटरकोर्स करते हैं सेक्स करते हैं तो उस कंडीशन में जब आपका सीमन डिस्चार्ज होता है इंटरकोर्स के दौरान जब सीमन डिस्चार्ज होगा उस कंडीशन में भी कई लोग होते हैं वो आके बोलते हैं कि उनको पेन होता है उनको दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में जब उनको सीमन डिस्चार्ज होता है सेक्स के दौरान उस कंडीशन में भी सबल सैरुलेटा बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि वो जो वहाँ पे जो रुकावट आ रही है यूरिथ्रा में
उसको खोलने में, उसको चौड़ा करने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा कई लोग होते हैं जिनको बोलते हैं कि वो थोड़ा सा भी वो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं या वो थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट होता है, तो उसकी वजह से उनको वहाँ पर पेनिस पर उनको काफ़ी एक चिपचिपा पानी सा उनको डिस्चार्ज होता है, गीलेपन सा उनको महसूस होता है। और उसके अलावा भी कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वो जब यूरिन करते हैं या स्टूल के लिए लेटरिन जाते हैं तो जोर लगाते हैं तो पेशाब के साथ उनको कुछ चिपचिपापन सा निकलता है, कुछ वहाँ पे एक डिस्चार्ज सा निकलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों प्रोस्टेटोरिया। इस कंडीशन में प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है यह आपके यूरिथ्रा से आपको निकलता है जब कभी भी आप स्टूल के साथ में जोड़ लगाते हैं तो, या जिसको हम बोलते हैं धात रोग सी समस्या भी जब हो जाती है तब आपको पेशाब के साथ में इस तरह से चिपचिपापन जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी आपको सबल सेलोरेटा बहुत अच्छा काम करती है, वहाँ पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होगा, आपको यूरिन करने की बार बार इच्छा होगी लेकिन यूरिन खुल के नहीं आएगा, और इसके साथ साथ हो सकता है आपको यूरिन में जलन हो, यूरिन में रुकावट महसूस हो, आपको बार बार यूरिन लगे, रात हो चाहे दिन हो आपको बार बार यूरिन की एक डिजायर बनी रहती है लेकिन यूरिन भी ढंग से पास नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में प्रोस्टेटाइटिस के अंदर और उसके साथ साथ ही गोनोरिया अगर आपको हो गया जो कि एक STD होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जिसमें आपको यूरिथ्रा से आपको एक स्टिकी सा एक डिस्चार्ज होता है वो भी आपको निकलता है, और ऐसी कंडीशन में भी आपको जो सबल सर्वलेटा होता है वो बहुत अच्छा काम करता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये ऐसी कुछ कॉमन कंडीशंस होती है, कॉमन सिम्टम्स होते हैं जहाँ पर सबल सर्वलेटा लेने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे इसमें फायदा होता है। दोस्तों इसी तरह से जब महिलाओं में अगर हम बात करें तो महिलाओं में एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट एट्रोपी, यानी उनके जो स्तन होते हैं स्तनों का उनकी एज के हिसाब से उनका जो विकास नहीं होता है, स्तनों का आकार जो होता है वो छोटे रह जाते हैं, जिससे कई दफ़ा महिलाएं जो होती है उनको थोड़ा सा वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस करती है, थोड़ा सा वो उसमें असहज महसूस करती है। ऐसी कंडीशन में भी सबल सेलोरेटा मदर टीचर बहुत अच्छा काम करता है स्तनों के विकास में, और जो उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें ग्रोथ में ये काफ़ी हेल्प करता है। दोस्तों ये ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जहाँ पर सबल सेलोरेटा मदर टीचर लेने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सबल सेलोरेटा मदर टीचर को किस तरह से काम में लेना है। इसको लेने का बड़ा ही आसान तरीका होता है। इसको लेने के लिए क्या करें, खाली कप लें, खाली कप के अंदर आधा कप गुनगुना पानी डालें, उसमें 10 बूंद सबल सेलोरेटा मदर टिंचर की डालें। अब उसको आपको धीरे धीरे सिर्फ बाई सिर्फ पीना होता है, या इसी तरह से आपको दिन में 3 बार पीना होता है, सुबह दोपहर और शाम। दोस्तों यह जनरली मैं अपने पेशेंट को करीब करीब 1 महीने में कंडीशन के हिसाब से होता है, 1 महीने या 2 महीने बाद मैं पेशेंट को उनको रिव्यू के लिए बुलाता हूँ। और एक जो बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है वो होती है कि आप जब कभी भी सबल सेलोरेटा लेते हैं हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, उसमें आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कई दफ़ा हो सकता है आपके डॉक्टर आपके केस को देखते हुए सबल सेलोरेटा के साथ में आपको और भी कुछ मेडिसिंस होती है जो इसके साथ में ऐड करेंगे तो आपको इसमें और ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों मैं ये छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है सबल सेलोरेटा के मदर टिंचर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।